हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज के सेटअप को पूरा देखना। दोस्तों मैं आपके इलाके का नहीं हूँ, मेरी शॉप जो है वो यूपी डिस्ट्रिक्ट पूरनपुर सिटी पूरनपुर और डिस्ट्रिक्ट जो है वो पीलीभीत में है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, मैं आपको अच्छी जानकारी देने वाला हूँ जो जो आपको इस सेटअप में कामयाब है, मतलब जो सेटअप चल जाता है। बहुत सारी जगह सोलर पैनल लगाते हैं वो फेल हो जाते हैं, दिक्कत आती है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल कंप्लीट सोलर सिस्टम लेकर आए हैं। जितने एम्पीयर की बैटरी लगना चाहिए उतने एम्पीयर की हम बैटरी लगाएंगे, और जितने वाट पैनल लगना चाहिए उतने वाट पैनल लगाएंगे, और जितने वाट का इन्वर्टर लगना चाहिए उतने वाट का और उतना मॉडल हम इन्वर्टर का लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर 1% भी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के सेटअप में हम लेकर आए हैं प्लाजा कंपनी का सोलर पैनल। सबसे पहले आप जान लीजिए सोलर पैनल कितने वाट का लगाना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमारी ये बैटरी जो है वो अपैक्स कंपनी की 150 एम्पियर की है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप, और उसके साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो अपैक्स की 150 एम्पियर। दोस्तों हमारी ये बैटरी 150 एम्पियर की है, हमें पैनल इससे डबल लगाना चाहिए तो ये बैटरी काम करेगी, ये सिस्टम काम करेगा। तो हमने आज की इस वीडियो में आज के सेटअप में जो पैनल लगाया है प्लाजा कंपनी का, प्लाजा सोलर पैनल, ये कितने वाट का मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाजा 170 वाट का एक पैनल, मतलब एक पैनल 170 वाट का एक पैनल ये है दोस्तों, ठीक है। और एक पैनल हमने ये इस बॉक्स से निकाला, तो दो पैनल हमने जो दो पैनल लगाए हैं वो सारा कुछ अभी हम रेट बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये दोस्तों मेड इन इंडिया में मैनुफैक्चरिंग हो रहा है, 2023 का पैनल है, बहुत अच्छा पैनल है, मेक इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। प्लाजा सोलर पैनल, आप प्लाजा के चक्कर में लोकल मत ले लेना। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें तो 12 एम्पियर इसकी चार्जिंग है, और यहाँ पर इसकी फिटिंग है, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस प्लस, ठीक है। और इसका एक वारंटी कार्ड है जो आराम से ले लें, कभी भी कहीं से भी खरीदें अगर फॉल्ट आता है तो इसको जरूर ले लें अवश्य, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 340 वाट पैनल हो गया, मतलब 170 वाट का एक पैनल, तो हमने दो पैनल लगाए हैं जो फर्स्ट क्लास इस बैटरी पर काम करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज के सेटअप में हमने जो इन्वर्टर लगाया है वो कोई सोलर इन्वर्टर नहीं है, हमने नॉर्मल इन्वर्टर लगाया है गाँव के एरिया के लिए। दोस्तों ये अमेज का इन्वर्टर है AQ1075+, इसकी कीमत हमने जो लगाई है वो 4800 रुपये लगाई है इस अमेज के इन्वर्टर की दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे MRP अगर हम बात करें तो बहुत पड़ी हुई है, 9600 रुपये है, लेकिन आप आज की इस वीडियो में हमने सेटअप की जो इस इन्वर्टर की जो कीमत लगाई है वो 4800 रुपये लगाई है, और हमने एक पैनल की कीमत लगाई है 6000 रुपये, और हमने दूसरे पैनल की कीमत लगाई है 6000 रुपये। तो ये दो पैनल की और एक इन्वर्टर की कीमत हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैटरी की। दोस्तों अगर हम बैटरी के बैकअप की बात करें तो ये एक फ़ैन 50 वाट का और ये एक फ़ैन 50 वाट का, दो फैन 50 वाट के 12 घंटे प्लस चलेगा इसका बैकअप है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी 150 एम्पीयर की इसकी गारंटी वारंटी की बात करें, दोस्तों कभी भी अगर आप बैटरी खरीदें तो गारंटी वारंटी में धोखा ना खाएं। ये 36 महीने की वारंटी, मतलब 36 महीने की इसकी रिप्लेसमेंट है, और 24 महीने की प्रोरेटा वारंटी है, मतलब अगर 3 साल तक बैटरी में कोई भी फॉल्ट आता है तो चेंज होकर नहीं मिलेगी, और 2 साल में अगर 3 साल के बाद अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपका कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। अगर हम इसके वजन की बात करें तो 58 किलो इसका वजन है इस टाइम, और हम इसके रेट की बात करें तो रेट हम यहाँ पर लगा लेते हैं 11400 रुपये। तो ये 28200 रुपये हमारा एक बैटरी हो गई 150 एम्पीयर की, 3 साल गारंटी वाली, 170 वाट के दो पैनल हो गए दोस्तों, उसके बाद एक हमारा इन्वर्टर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्रॉली की। दोस्तों हमारे पास ट्रॉली जो है वो बहुत सस्ती भी है, मतलब यहाँ पर 650-700 रुपये वाली है, लेकिन हमने जो है वो आज थोड़ी सी महंगी ट्रॉली लगाई है। इसके नीचे जो है 6-5 जो है वो पहिए लगेंगे, व्हील्स लगेंगे, इसको कहीं पर भी आप आराम से ले जा सकते हो। इसको खोलने के लिए इस तरह से आप खोल सकते हो बहुत आसानी से दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप इसमें वाटर भी डाल सकते हो, बैटरी आपकी अंदर आ जाएगी और हम इसको बंद कर देंगे आराम से। हिंद पावर कंपनी की है, हमने इसकी कीमत लगाई है 850 रुपये। तो ये 29050 रुपये का सिस्टम है, आपको ऑल इंडिया हर जगह मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि इस सेटअप से आप लैपटॉप चार्जिंग कर सकते हो, दुकान पर आप चला सकते हो, अपने घर पर चला सकते हो, लाइटें जला सकते हो, फ़ोन चार्जिंग है, लैपटॉप चार्जिंग है। एक फ़ैन DC मतलब AC मतलब ऊपर छत वाला जो फ़ैन होता है बिजली वाला, एक फ़ैन आप दिन में चला सकते हो और एक फ़ैन रात में चला सकते हो, अगर ये केवल सोलर पैनल से चार्जिंग होगा तब। लेकिन अगर पैनल भी है, लाइट भी है, तो आप कितना भी लोड डालोगे डाउन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसमें क्या नुकसान है, आपका इन्वर्टर हमेशा के लिए हो जाएगा और आपका जो पैनल है वो हमेशा के लिए, 4 से 5 साल के बाद आपको 6 से 7 हज़ार रुपये डालना पड़ेंगे बैटरी चेंज करने में,
और आपको कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए किसी बैटरी इन्वर्टर के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मेरी इन्वर्टर बैटरी की शॉप है, जो भी नॉलेज होती है आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से देता रहता हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। आपको जो है अगर ये सेटअप ख़रीदना है तो आप आ सकते हो पूरनपुर में, ये शॉप है धनारा घाट रोड पर, मदार बैटरी एंड सोलर शॉप के नाम से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।